गद्दार लगे हो, भारतवासी है नाले, पाकिस्तान खराब चाल तुम्हारे से पैदा होते तुम्हारे इंसान से, कह रहे पाकिस्तान शर्मिंदा है तुम्हारे, भारत में रहकर हम पाकिस्तानी हो गए, आदमी को गाली दे रहा है, शर्म नहीं आ रहा इसको, पाकिस्तान हम और आदमी के क्या है, ये देश को चलाने वाले चिलमची है फिलमची है, नाम नहीं लिया, नाम लिया सामने लिया, नाम लिया बागेश्वर धाम बाबा कह रहा सनातनी नहीं है, गद्दार है ये, हिंदुओं पे कौन हिंदू, हमारे जैसा मक्कार इस देश में नहीं रहना चाहिए, संविधान बलो, कॉन्स्टिट्यूशन बलो, भारतीय हम भारतीय, भारत हमारा है, भारतीय हमारा, हमारा भगवान, हमारा भारत है, हमारा राष्ट्र भगवान है, हमारा किसान भगवान है, जय जवान जय किसान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, समझे, हमें गाली दो, कांग्रेस को गाली दो, मोदी को गाली क्यों दोगे भाई, भाई मोदी को गाली, मोदी के प्रधान नहीं, इनका लोकतंत्र कुछ भी दे, लेकिन सनातनी धर्म हमारा धर्म है, हमारे धर्म पे गाली खाओगे तो संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता, कौन गाली दे घर बनाने के, सनातन की परिभाषा हम हिंदू, इतना ही का कर्म है हमारे, क्या परिभाषा सुनना आपको, सनातनी में क्या, हिंदू हिंदू धर्म है, धर्म नहीं है, हिंदू अंधभक्त है, ये अंधभक्त है, अब इसको पूरा सख्त दिया जा रहा है, ये अंधभक्त है, ये कह रहा है ये हिंदू है, ये हिंदू है, कहाँ से आया हिंदू, हिंदू बेटी का बलात्कार हुआ तब नहीं क्या, अबे बनारस से, ओ देखो वो हिंदू, वो देखो क्या हिंदू के, मैं मेरी बात सुन ले, बचा हिंदू यूनिवर्सिटी में, हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ, बनारस सब परिवार हो चुके हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल परिवार तो हो ही गया, हाँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो लड़की जिसका रेप हुआ, हाँ। वो भी परिवार था, वो बिटिया थी इनकी, बिटिया का बलात्कार हो गया, परिवार की बेटी का बलात्कार हो रहा है, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं है, ये परिवार है, देश में जो देश के पूर्व सैनिक हैं उनकी पत्नियों को निर्वस्त करके घुमाया जाता है, वो इनके परिवार के थे सेना के जवान, उनकी पत्नियों को मणिपुर में निर्वस्त करके सामूहिक रूप से बलात्कार किया, ये परिवार की इनके सेना के जवान की पहलवान बेटियां जो गोल्ड में उनके साथ तो कहा भी था मेरे परिवार की बेटी है, उसका यौन शोषण किया इनके परिवार के ब्रजभूषण सिंह ने, ये परिवार की बेटी का शोषण बलात्कार अत्याचार, पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, बीजेपी की जगह बलात्कार जनता पार्टी रखना चाहिए, लेकिन सब ट्विटर पे अपना नाम बदल, देखिए ट्विटर पे देखिए चौकीदार रख दोगे, पहले चौकीदार रखा, फिर चमत्कार, फिर बलात्कार, फिर अत्याचार, फिर 400 के पार, अरे बीएम हटाओ, 400 के पार नहीं 40 भी पार नहीं कर पाएगा, ये देख लेना आप, तो किसान परिवार नहीं है क्या, किसान क्यों नहीं लिख रहे हैं, कौन किसान को भी, किसान किसान तो भाई किसान बनते ही नहीं है ना, ये व्यापारी है, हाँ। कारपेट जगत का गुलाम है, कौन? ये देश को पूरे 140 करोड़ लोगों को गुलाम बनाएगा ये, कौन? और भाई प्रधानमंत्री बनाएगा, कारपेट जगत का जो गुलाम है ये पायदान मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है, कारपेट जगत का पायदान मंत्री है, उनके लिए काम कर रहा है, ये किसानों के लिए काम नहीं कर रहा, मजदूरों के लिए काम नहीं कर रहा है, सबकी राजनीति अलग अलग है, सबसे बड़ी बात है ईवीएम मशीन हटनी चाहिए, हाँ। लेकिन जिस तरह से पूरे ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है, आपने 19 में भी देखा होगा नंदा भाई कि किस तरह से ये मैं भी चौकीदार करने के बाद प्रधानमंत्री बन गए थे, हाँ तो ये कुछ नहीं भी माहौल बनाया जा रहा, हाँ तो भिकमंगों का राज है ना, प्रधानमंत्री ने 35 साल भीख मांगी है, बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा वो भी मांगता है, सब भिकमंगों का शासन है, और इसको चलाने वाले कौन है, बाबाओं का अपमान कर रहे हैं, बाबा कौन है, ये देश को चलाने वाले चिलमची हैं फिलमची हैं, चिलमची या फिलमची हैं, हाँ चिलमची या फिलमची हैं, समझे, आप बोलिए मत, आप कौन है, आप बताइए, आप बताइए बलात्कार, आज देश में जो बलात्कार जो हो रहा है चमत्कार, अरे अरे यार क्या बात कर रहे हो, कौन सी बेटियों के साथ हो रहा है अत्याचार हो रहा है भाई, ये बहन बेटियों का जो बलात्कार हिंदू बेटी का सामने आ गया, ऐसे कौन नाम लेता है, यहाँ आके दिखा रहे चौकीदार महावीर बनने अपने का बलवान, पहले बलात्कार इस देश के रहने वाले हो कि गद्दार हो, गद्दार लगे हो, भारतवासी है नाले, पाकिस्तान खराब चाल तुम्हारे से पैदा होते तुम्हारे इंसान से, कह रहे पाकिस्तान शर्मिंदा है तुम्हारे, भारत में रहकर हम पाकिस्तानी हो गए, आदमी को गाली दे रहा है, शर्म नहीं आ रहा इसको, पाकिस्तान धाम और सनातनी के क्या है, उसको
कह रहे हम? नाम नहीं लिया, नाम लिया, सामने लिया, नाम लिया, बागेश्वर धाम बाबा कह रहा सनातनी नहीं है, गद्दार है ये, हिंदुओं पे कौन हिंदू, हमारे जैसा मक्कार इस देश में नहीं रहना चाहिए, संविधान बनो, कॉन्स्टिट्यूशन बनो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, संविधान बनो, संविधान बनो, संविधान बनो, संविधान बनो, संविधान नहीं, संविधान बनो, हिंदू कौन गर्व करो, भाई भारतवासी हैं, भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, भारत हमारा है, भारतीय हमारा, हमारा भारत है, हमारा राष्ट्र भगवान है, हमारा किसान, हमारा किसान भगवान है, हमारा किसान भगवान है, जय जवान जय किसान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, समझे, हमें गाली दो, कांग्रेस को गाली दो, मोदी को गाली क्यों दोगे भाई, भाई मोदी को गाली, मोदी के प्रधानमंत्री नहीं, इनका लोकतंत्र कुछ भी दे, लेकिन सनातनी धर्म हमारा धर्म है, हमारे धर्म पे गाली उठाओगे तो राष्ट्र छोड़ेंगे नहीं, राष्ट्र संविधान से चलता है देश, धर्म से नहीं चलता, कौन गाली दे रहा है, घर बनाने के गाली परिभाषा देंगे, नहीं दे रहे गाली, सनातनी परिभाषा क्या परिभाषा सुनना, हम हिंदू इतना ही का कर्म है, हमारे क्या परिभाषा सुनना, आपको सनातनी में क्या, हिंदू धर्म से खाना पीते हो, हिंदू धर्म है, धर्म नहीं है, मैं हिंदू, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू तो हिंदू राज बनाना चाहते हैं, भाई धर्म नहीं है, धर्म है, आप ऐसे लोगों का धर्म कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों का धर्म कर रहे हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, नरेंद्र मोदी हमारा, नरेंद्र मोदी मोदी हमारे, सर क्यों नहीं मुंडवाया आज उसकी महामारी, अबे सर क्यों नहीं मुंडवाया उसकी महामारी को, सर क्यों नहीं मुंडवाया उसकी महामारी को, भाई ये कहाँ कहाँ से आ गए, ये अंधवक्त है भाई, ये अंधवक्त है, ये अंधवक्त है, अब इसको पूरा सख्त दिया जा रहा है, ये अंधवक्त है, ये कह रहा है ये हिंदू है, ये हिंदू है, कहाँ से आया हिंदू, हिंदू बेटी का बलात्कार हुआ सब नहीं क्या, अबे बनारस से, ओ देखो वो हिंदू, वो हिंदू के, मेरी बात सुन ले बच्चा, हिंदू यूनिवर्सिटी में, हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ, बनारस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ, ये तो बता, उसकी गाली हो क्या, ये हिंदू भाई की गाली हो, उसके बारे में ये कह रहा है, बात ये कह रहा है कि हम बाबा के हो, रोजगार दिला दे, रोजगार दिला दे, बता, तू धर्म को बचाने वाला टिकिया दादी, ये देखो हम हिंदू, हमारे धर्म हम बताएंगे क्या, बता उसी को गाली दे दे, बताना करो करो, हम हिंदू हैं, तुम हिंदू हो, आजाद है अंधभक्त, ये भाई अंधभक्त है, ये अंधभक्त है, इसको ये नहीं पता, मैं कह रहा हूँ हिंदू का, तू हिंदू का चहेता, हिंदू लड़की का बच्चा, उसका रेप हुआ, बलात्कार हुआ, क्या हिंदू लड़की नहीं थी क्या, ये साक्षी जो मैं लिखती है हिंदू नहीं थी है, क्या विनेश फोगाट हिंदू नहीं थी है, क्या ये जो लड़की जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसका रेप हुआ वो हिंदू नहीं थी है, मणिपुर में जो हुआ रेप कौन थी वो, और ये जो बलात्कार हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है, ये देश बिक रहा है, हिंदू क्या है, हिंदू का इसे पता ही नहीं है, हिंदू का मतलब नहीं पता इसको, और घूंघरा तिलक तम्बू सा लगा के ये लोग हैं भड़का रहे हैं, ये वो चिलगोंजे हैं जो इधर उधर भड़काते हैं, समझे, इनका अपना कोई वजूद नहीं है, ये खाना का घूमते आईटी सेल के, शाम को पौआ मिल जाता है, सारे दिन टकटकाते रहते हैं है, ये अब समय आ गया है, और ये डराते लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, बौखला है, इन्हें रोजगार तो मिला नहीं है, शाम को पौए की रहती है, अगर इन्होंने किसी से लड़े नहीं तो पौआ नहीं मिलेगा, तो पौए हैं ये कौए की तरह, कहाँ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये मोदी के भक्त है, इन्हें दिया सही तरीके से आप लोगों ने सख्त दे दिया है, करंट लगा इसको पिछवाड़े में, रात भर नींद नहीं आएगी, ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं, इस राष्ट्र को पीछे लगा दिया इन्होंने, अंधभक्तों देश नहीं चलेगा भाई, ये संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र से देश चलता है, संविधान सबको आज़ादी देता है, हर धर्म मजहब जाति के लोगों को सबको समान अधिकार देता है, सबको आगे बढ़ने का मौका देता है, धर्म मजहब क्षेत्र भाषा के नाम पर लड़ा रहे हैं, भाई को भाई से लड़वा रहे हैं, एक परिवार को परिवार से लड़वा रहे हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़वा रहे हैं, और जाति को जाति से लड़वा रहे हैं, ये हालत है, तो ये क्या करेंगे, ये अखंड भारत करेंगे है, कोई आज़ादी से परिवार है, कौन ये लोग, ये मोदी जी के ऐसे परिवार हैं, इनका खुद मैं कहता रहा पर इनका परिवार नहीं होगा, वो 35 साल भीख मांगे, ये भी मांग रहा होगा कहीं, हाँ आपने दिया नहीं कुछ इसको है, इनको भीख चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, और भीख मांगेंगे फिर शासन सत्ता पे शासन करेंगे, मैंने यही तो कहा कि चिलमची और फिलमची राज कर रहे हैं, आप चिलम लगाने वाले हैं, फिल्म वाले सारे के सारे, बताओ कौन सा स्टार है, कौन सा एक्टर है जो सांसद बना उसने कुछ करा क्षेत्र के लिए, आप गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली से क्या करा ये बता दे कोई है, आप टिकट कट गया तो फिर दूसरा आ जाएगा, फिर वो भी नहीं करेगा तो मतलब काम कौन करेगा जनता का,
हैं, सारे के सारे सेलिब्रिटी आके चुनाव लड़ेंगे। काम करेंगे मोदी जी का परिवार। कौन मोदी जी का परिवार जो लगा रहे? अरे परिवार कहाँ, बच्चे नहीं है, इनके बीवी नहीं है साथ। अरे पूरा है, कौन सा परिवार है भाई? पूरा देश। हाँ तो तुम काम करोगे? करो, हाँ करो ना, मधुआम गुलामी करो। अभी पिछवाड़े पे कोले पड़ेंगे समझे, फिर जाओगे, तुम्हारी मानव तस्करी होगी, अंगों की। है सब मजाक बना रखा है, धर्म के नाम पे लूट रखा। मैं कह रहा हूँ सरकार के पास चार चीजें है। एक नंबर, पहले नंबर तो ईवीएम मशीन, दूसरे नंबर गुलाम मीडिया, कौन मैन स्ट्रीम दलाल मीडिया, तीसरे नंबर को भाई तुम्हारे क्या जो है ईडी सीबी सीबीआई वगैरह जो है जांच एजेंसियां है, और चौथा धर्म, धर्म के नाम पर जैसा भी घूम रहा था ना वो उठाई है, लगा लिया तिलक है। तिलक से क्या होगा भाई, तिलक को पता है उसे धूप चाहिए है, जादू वाला था। कोई नहीं, धूप है, शाम को सूप पीता होगा पौवा मिला के है, ये धूप है समझे, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। और फिर एक शेर सुना देता हूँ है, सुन लीजिए है। ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं 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 सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी, हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। ओ भड़वाधारी भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे आ गए ना, तो जल के राख और खाक हो जाओगे। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। धन्यवाद।